आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए जुड़ाते हैं आज की सुर्खियों पर। लोगों की सतर्कता के चलते दमन में चोरी करने आए एक आरोपी को पकड़ा गया, दो भागने में हुए सफल। दादरा नगर हवेली में पूर्व सांसद ने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर अस्पताल में फलों का किया वितरण। वापी रेलवे स्टेशन पर हेल्पिंग हैंड द्वारा कपड़े की थैलियों का किया गया वितरण। पार्टी वात्सल्य स्कूल के बच्चों संग भाजपा संगठन ने मनाया मोदी जी का जन्मदिवस। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दमन में दिन के उजाले में चोरी करने आए चोरों की चोरी लोगों की जागरूकता की वजह से निष्फल रही। एक चोर पकड़ा गया तो दो चोर भागने में सफल हुए। दमन मसाल चौक क्षेत्र में आए एक अपार्टमेंट में दिन के उजाले में चोरी करने आए तीन में से एक चोर को लोगों ने रंगे हाथ पकड़कर मेथी पाक चकाया था। मसाल चौक क्षेत्र में दिन के उजाले में चोरी करने की कई घटनाएं प्रकाश में आ चुकी है, जिसमें फिर से एक बार चोरी की घटना मंगलवार को बनी थी। इस बार चोरों ने अलग ही प्रकार का रास्ता अपनाया था, पर पड़ोसियों की सतर्कता को लेकर रास्ता निष्फल बना था। नानीदमन मसाल चौक क्षेत्र में आई साई कृपा वन सोसाइटी के सुरभि अपार्टमेंट के दूसरे माले पर रहते नायक परिवार काम की वजह से घर को ताला मारकर बाजार गए थे, जिसका फायदा उठाकर तीन चोर फ्लैट में पहुंचे थे। चोरी करने में आसानी रहे उसके लिए आसपास के फ्लैटों को दरवाजे को लॉक कर टारगेट किए गए फ्लैट में प्रवेश किया था। चोरी में पूजा पाठ का चांदी का सर सामान 5,000 नगद बैग में डाल दिए थे, जो कि उतनी ही देर में जिन लोगों के फ्लैट में दरवाजे को ताला लगाया था उसमें से किसी ने फ्लैट मालिक को फोन किया था, पर महिला मालिक और पुत्री बाहर गए होने का बताने के बाद चोरी के शक पर तुरंत ही वो घर पहुंचकर आसपास के पड़ोसियों के फ्लैट का दरवाजा खोलने के बाद अपने फ्लैट का डोर बेल बजाते चोरों को बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देते माता पुत्री को धक्का देकर चोर भागने लगे थे, पर पड़ोसियों ने आवाज़ लगाते ही फ्लैट के नीचे कई लोग एकत्रित हो गए थे और जैसे तीनों चोर बाइक पर बैठकर भागने लगे तो लोगों ने पीछे बैठे एक शख्स के बैग के साथ ही पकड़ लिया था, जबकि दो चोर भागने में सफल रहे थे। पकड़े गए चोर को सबक सिखाने के बाद लोगों ने पुलिस के हवाले किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शिकायत पर दोनों फरार हुए चोरों को पकड़ने की कार्यवाही शुरू की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में पूर्व सांसद नटुभाई पटेल ने खानवेल सरकारी अस्पताल और बिंद्राबेन सरकारी स्कूल में फलों का किया गया वितरण। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मंगलवार के रोज सुबह संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली भाजपा पूर्व सांसद अपनी पूरी टीम के साथ खानवेल स्थित सरकारी अस्पताल में पहुंचकर उन्होंने मरीजों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सभी मरीजों को फल वितरित किए गए और सभी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। डॉक्टर गणेश नार्वेकर से मुलाकात कर अस्पताल में दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा भी लिया गया। प्रधानमंत्री जी को बच्चों से भी बहुत लगाव है, इसलिए पूर्व सांसद नटुभाई पटेल ने बिंद्राबेन स्थित सरकारी स्कूल का भी दौरा किया और बच्चों से रूबरू हुए। वहां उन्होंने सभी नन्हे स्कूली बच्चों से बातचीत की और उनको फल वितरित किए गए। स्कूल के शिक्षकों से मिलकर भी जानकारी ली, शिक्षा और मिड डे मील की भी जानकारी ली गई। नरेंद्र भाई मोदी जी की सेवा और समर्पण के पद चिन्हों पर चलकर उन्हें पूर्व सांसद नटुभाई पटेल और उनकी टीम ने जन्म दिवस की प्रधानमंत्री जी को बधाइयां भी दी। इस अवसर पर पूर्व सांसद नटुभाई पटेल के साथ जिला पंचायत सदस्य जीतूभाई मांडा, भिकूभाई भीमरा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शंकरभाई वाघमारे, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिन्हा, प्रवीण गुराद, जयंतीभाई पटेल, लाकड़भाई मिशाल, बी के त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे।
कौन से? तो फोटो अच्छा आया ये प्रश्न की वजह से। भारत के भाग्य विधाता माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के जन्मदिन है। हम उनको दादरा नगर हवेली की जनता के से और से जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। वो भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में एक नेता के रूप में उभर रहे हैं और भारत एक विश्वगुरु बनने जा रहा है, उसका पूरा श्रेय नरेंद्र भाई को जाता है। और मैं कहता हूँ आज हम खानवेल के अंदर ये हॉस्पिटल मैंने ही बनवाई थी और यहाँ हमारा आदिवासी समाज जो है यहाँ काफ़ी एडमिट है। तो हमने प्रधानमंत्री का जन्मदिन पे हम सभी कार्यकर्ता, हमारे सरपंच, जिला पंचायत मेंबर्स, हमारे पार्टी के पदाधिकारी और हमारे डॉक्टर्स यहाँ के, उनके साथ मिल के हमने आज फूड वितरण किया है। और मैं मानता हूँ ये प्रदेश में प्रधानमंत्री की परम कृपा है खानवेल के ऊपर, पूरे दादरा नगर हवेली के ऊपर। और मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन पर दादरा नगर हवेली के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। वापी रेलवे स्टेशन पर सहयोग हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कपड़े की थैलियों का निःशुल्क यात्रियों को किया गया वितरण। वापी में सहयोग हेल्पिंग हैंड द्वारा मंगलवार के रोज वापी रेलवे स्टेशन पर कपड़े की थैलियों को निःशुल्क वितरण किया गया। सहयोग हेल्पिंग हैंड द्वारा कई बार सामाजिक सेवाओं सहित पर्यावरण को बनाए रखने के लिए पौधे का मुफ्त में वितरण भी किया गया है। साथ ही ऐसे कई सामाजिक कार्य भी किए जा रहे हैं। वापी सहयोग हेल्पिंग हैंड के यतीन शाह के बताए अनुसार प्लास्टिक का इस्तेमाल कर हर कोई ऐसे तैसे ही प्लास्टिक को फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जमीन काफ़ी मात्रा में बिगड़ चुकी है। दूसरी ओर प्लास्टिक में खादा खुराकी में ऐसे ही डाल देते हो, साथ ही पशुओं के स्वास्थ्य के ऊपर भी खतरे की घंटी बजती हुई दिखाई देती है, जिसके लिए सभी को सहयोग देना चाहिए। वापी सहयोग हेल्पिंग हैंड द्वारा वापी रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल न कर कपड़े की थैलियों का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। साथ ही हरेक यात्रियों को निःशुल्क कपड़े की थैलियों का वितरण भी किया गया था। इसके अलावा रेलवे विभाग द्वारा प्लास्टिक की बोतल क्रशर मशीन का लोकार्पण भी किया गया और पानी की बोतलों को ऐसे तैसे नहीं डालकर बोतल क्रशर मशीन में डालने के लिए भी यात्रियों को बताया गया। इस कार्यक्रम में वापी रेलवे स्टेशन के सुपरिटेंडेंट SK दत्ता, सहायक सुपरिटेंडेंट प्रदीप आहिर सहित वापी सहयोग हेल्पिंग हैंड के सभी उपस्थित रहे थे। जैसे आप सबको विदित है, अभी स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें साफ सफाई और एक मुहिम हमने चेहरा है, सरकार की तरफ से भी चेहरा गया है कि प्लास्टिक का उपयोग बंद करना है, लोगों को जागरूक करना है। प्लास्टिक उपयोग नहीं करें, प्लास्टिक की थैली हम भी खुद भी उपयोग नहीं करें और दूसरों को भी हम सलाह दें कि वो उपयोग नहीं करें। और प्लास्टिक वन टाइम यूज प्लास्टिक का बॉटल्स जो है उसको भी हम दोबारा यूज ना हो, उसके लिए आज स्टेशन पे एक प्लास्टिक क्रशिंग मशीन भी लगाया गया है। और सहयोग हेल्पिंग हैंड वापी के संस्था के द्वारा आज ये कपड़े का बैग थैली जो स्टेशन के यात्रियों को बांटा गया है। आज 17 सितंबर 2019 ना दिवसे नरेंद्र मोदी अपना जो वडाप्रधान है उनका आज जन्मदिवस है। रेलवे विभाग द्वारा स्वच्छता पखवाड़ियों आयोजन पण चाले छे। એ બંનેના અનુસંધાનમાં આજે સહયોગ હેલ્પિંગ હેન્ડ ગ્રુપ જે છે અમારું, એમણે વિચાર્યું કે પ્લાસ્ટિકનો યુઝ સદંતર બંધ થાય એના માટેનો કંઈક પ્રયાસ ન કરવો જોઈએ। એના રિગાર્ડિંગ આજે અમે આ કપડાંની બેગ અહીંયા બધાને આજે રેલવે સ્ટેશન પર ફ્રીમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવા માટે આવ્યા છે। આ કપડાંની બેગ છે, જે લોકો પણ પ્લાસ્ટિકની બેગ લઈને સ્ટેશન ઉપર અવરજવર કરતા અમને મળ્યા છે, એમને અમે વિનંતી કરી એમની પ્લાસ્ટિક બેગ ખાલી કરાવી કપડાંની બેગ વાપરવા માટે એમને આગ્રહ કર્યો અને એમણે અમારા આગ્રહને સ્વીકાર્યો છે। એ ઉપરાંત બીજા અનેક લોકો જે સ્ટેશન પરથી અવર જવર કરતા હોય એમને બધાને આ બેગ મુફતમાં વિતરણ કરવામાં આવેલ છે। આ બેગ વિતરણ કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એક જ છે કે તમામ લોકો પ્લાસ્ટિક બેગનો સદંતર ઉપયોગ બંધ કરે અને કપડાંની બેગનો હંમેશા ઉપયોગ કરે। પ્લાસ્ટિક બેગના ઉપયોગથી પર્યાવરણને, દેશને, સમાજને કેટલું નુકસાન છે એનાથી લગભગ હર કોઈ વાકેફ છે, છતાં પણ કંઈક સંજોગોવશાત વાપરે છે। તમામને અમારા સહયોગ એમ હેલ્પિંગ ગ્રુપ તરફથી વિનંતી છે
કે પ્લાસ્ટિકનો સદંતર ઉપયોગ બંધ કરી દો અને કપડાની થેલીનો જેટલો બને એટલો મહત્તમ ઉપયોગ કરો. પાટી વાત્સલ્ય સ્કૂલ કે બચ્ચો કે સાથ ભાજપ સંગઠન ને મનાયા નરેન્દ્ર મોદીજી કા જન્મદિવસ. દેશ કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી કે જન્મદિવસ કે શુભ અવસર પર સાપ્તાહિક વિવિધ કાર્યક્રમો મેં મંગળવાર કે રોજ પાટી વાત્સલ્ય સ્કૂલ કે બચ્ચો કે સાથ ભાજપ સંગઠન ને મોદીજી કે જન્મદિવસ કો કેક કાટ કર મનાયા થા. બાદ મેં પાટી સરકારી અસ્પતાલ ઓર મહાનદયાલ અસ્પતાલ મેં દર્દીઓ કો ફ્રૂટ કા વિતરણ કિયા ગયા. જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ઓર પાર્ટી કે વિધાયક કનુભાઈ દેસાઈ કી અધ્યક્ષતા મેં યે આયોજન કિયા ગયા થા. વાત્સલ્ય સ્કૂલ કે ટ્રસ્ટીગણ ડોક્ટર એમ એમ કુરેશી, દિનેશભાઈ શાહ, પાલિકા પ્રમુખ ફાલ્ગુનીબેન ભટ્ટ ઇત્યાદિ મહેમાનો કા સ્કૂલ કે પ્રિન્સિપાલ સાધનાબેન કી ટીમને સ્વાગત કિયા થા. વાત્સલ્ય સ્કૂલ કે દિવ્યાંગ બચ્ચો કી સ્કૂલ કે લી બાજ કે સહિત અન્ય મશીન ખરીદને કે લી 75,000 કા ચેક પાટી શહેર ભાજપ સંગઠન કે ઇન્ચાર્જ પ્રમુખ રાજેશભાઈ પટેલ, મહામંત્રી વિજય શાહ કી ટીમ દ્વારા દિયા ગયા થા. અને એનું ઉત્તમ જો ઉદાહરણ દળિયા અને બાજનું મેન્યુફેક્ચરિંગ એક મશીન છે જે ભાજપ પરિવાર તરફથી આજે માનવ આરોગ્ય સેવા કેન્દ્ર સંચાલિત વાતાવરણ સાંકળી શકો તેના જો સરસ મજાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ સ્વરૂપે સેવાકીય કામ પણ થઈ રહ્યું છે. અને સાથે સાથે ધારાસભ્યશ્રી હોઈ ન શકે એમનો જન્મદિવસ ઉજવવા માટે પરંતુ બધાને ખુશીની લાગણી એ છે કે માનીય કનુભાઈએ એ પ્રસંગ
Sai Krupa Stationery and Xerox welcomes you to a new stationery and gift shop in Dilipnagar. We have all types of branded schools and office stationery such as Navneet, Domes, Camlin, Classmate, branded office files, box files, diaries, compass pouches, water bottles, tiffin school bags, plastic folders, USB sticks, and all Xerox copies, paper, color print, lamination and Xerox. And also we have all types of gift articles, gift kits, various statues, showpieces, fashionable handbags, purses, crockery, perfume, wristwatches, wall clocks, photo frames, sceneries, decorative night lamps, room sprays, keychains, soft toys and games items like laser lights, batteries, torch, project items like minor motors and also glue gun. All types of birthday items, colorful balloon, candles, caps, etc. all are available at our shop. Please to visit to our shop name Sai Krupa Stationery and Xerox and Gift Shop in Dilipnagar. Break ke baad aapka swagat hai. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर दमन के दाभेल सरकारी स्कूल में तिथि पूजन के कार्यक्रम का हुआ था आयोजन। दमन के दाभेल स्थित गवर्नमेंट स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर युवा कार्यकर्ता जिग्नेश भाई डाहिया भाई पटेल और उनके परिवार द्वारा स्कूल में तिथि भोजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर स्कूल के 600 छात्रों ने तिथि भोजन लिया था, साथ ही बच्चों के साथ बैठकर जिग्नेश भाई और उनकी पत्नी ने भी सह भोजन लिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राह पर चलने के लिए बताया था। नमस्कार, आज सरकारी प्राथमिक शाला डाबेल में प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर डाबेल के युवा कार्यकर श्री जिग्नेश भाई दया भाई पटेल ने बच्चों के साथ प्रधानमंत्री का बर्थडे सेलिब्रेशन किया। बच्चों केक और मिठाई बांटी, साथ में आज ही बच्चों को हमारे 1 से 4 की कक्षा के 600 बच्चों को तिथि भोजन का भी आयोजन किया। उसमें दाल भात साग और लापसी का बच्चों को सर्व किया। साथ में जिग्नेश भाई और उसकी धर्मपत्नी ने बच्चों के साथ बैठकर साथ में भोजन भी ग्रहण किया। तो हम जिग्नेश भाई के धन्यवाद पात्र थे और जिग्नेश भाई ने प्रधानमंत्री के जैसा ही काम करने की उम्मीद सभी को दिलाई है। पाड़ी तहसील में मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर पालिका ने नमामि देवी नर्मदे महोत्सव को मनाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर पाड़ी नगर पालिका द्वारा नमामि देवी नर्मदे महोत्सव को मनाया गया। मंगलवार के रोज ऐतिहासिक 99 एकड़ के तालाब में कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल के बच्चों द्वारा प्रार्थना, रास, गरबा आदि द्वारा की गई थी। सरदार पटेल की प्रतिमा के पास ही पाड़ी नगर पालिका के प्रमुख फाल्गुनी बेन भट्ट, कारोबारी अध्यक्ष देवीन पैसा, पालिका के सदस्य राजेश पटेल, अली अंसारी, गजानन मांगेला, हसुभाई राठौर, अमीषा मोदी, किरण मोदी इत्यादि सभ्यों ने माता नर्मदा की आरती के साथ नए नीर का स्वाध्याय मंडल के ऋषि कुमार द्वारा मंत्रोच्चार के साथ पूजन कर आरती कर पाड़ी पालिका के प्रमुख ने नगरजनों को पानी का व्यय नहीं करने के लिए अपील की थी और पानी का संग्रह करने के लिए बताया था। कारोबारी अध्यक्ष देवेंद्र भाई शाह ने बताया कि वलसाड जिले में सबसे ज्यादा पाड़ी तालाब में पहली बार जल संचय हुआ है, जो पाड़ी के लिए उन्होंने आनंद व्यक्त किया था। એક મિનિટ આજ રોજ સમગ્ર ગુજરાતની અંદર
નર્મદા નીરના વધામણાનો કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે અને અંતર્ગત પારડી નગરપાલિકા તરફથી પારડીના ઐતિહાસિક તળાવની અંદર જે રીતે નર્મદા આજે 138 મીટરની ઊંચાઈ વહી રહી છે તે જ રીતે પારડી નગરપાલિકાનું તળાવ પણ આજરોજ વર્ષો બાદ એક છલોછલ ભરાયું છે અને એનો આનંદ જે રીતે નર્મદા મૈયાનું પાણી ભરાયા તે રીતનો આનંદ સમગ્ર પારડી નગરની અંદર પારડી નગરનું તળાવ ભરાયું તે બદલ લોકોને છે અને એના ઉત્સાહના રૂપે આજે પારડી નગરપાલિકા તરફથી નર્મદા નીરના વધામણાનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો. આજે આપણા ભારતીય જનતા આપણા દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો જન્મદિવસ છે અને એ જન્મદિવસની પણ ઉજવણી અહીં અમારા પારડી મહિલા મંડળના બહેનો તરફથી કરવામાં આવી. આપણા મહિલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો જન્મદિવસ હોય, નમામી દેવી વંદે નર્મદે કાર્યક્રમ મહોત્સવનું આજે આયોજન પારડી નગરપાલિકા દ્વારા પણ થયો, જે દરેક આખા દેશભરમાં થવાનો છે. અને તે નિમિત્તે આપણે પણ આપણા તળાવમાં આપણું જળાશય જે છે તેનું પૂજન અર્ચન કરી આશીર્વાદ લીધા છે. અને આજરોજ નગરપાલિકાના સદસ્યશ્રીઓ, ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો અને નગરજનો સૌ ઉપસ્થિત રહી ખૂબ જ ઉત્સાહભેર આ કાર્યક્રમ સંપૂર્ણ થયો છે. આજરોજ કન્યાશાળામાંથી પણ વિદ્યાર્થીઓ આવીને ખૂબ સરસ સ્વાગત ગીત અને ગરબા રજૂ કર્યા. આપણી મહિલા મંડળની જે બહેનો છે તેમનું ભજન અને ગરબો રજૂ કર્યો, જેમાં પણ એ લોકોએ આપણા નરેન્દ્રભાઈને જન્મદિવસની શુભકામના પાઠવી છે. અને સૌ નગરજનો મારી નગરપાલિકાની ટીમે જે આ કાર્ય કરવા માટે મને જે મદદ કરી છે અને એમને વગર આ કોઈ દિવસ શક્ય બને છે. નીવ એન્ટરપ્રાઇઝ ઓર ઝેનકેમ એન્ટરટેનમેન્ટ એન્ડ ઇવેન્ટ પ્રેઝેન્ટ્સ મનોજ નથવાની દ્વારા ફિલ્મ નોટિસ આને વાલે દિનો મેં રિલીઝ હોગી. ઉમેદ લેકર રોજ ઇસ શહેર મેં હજારો લોગ આતે હૈ, કુછ બસ જાતે હૈ ઓર કુછ ફસ જાતે હૈ. क्या अपने आप को भाई समझता है? सुबह जब मुत्ता हूं ना, तेरे जैसे दस को छोड़ देता हूं. ठीक है, जगह छोड़ के निकल जा, नहीं तो ऊपर निकलेगा. ए साहब, अब तो सरकार ने भी इजाजत दे दी है कश्मीर में बसने की, तो ये शहर छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. જય શ્રી રામ. એ તેરે કો બોલા થા ના મુંબઈ મેં કુછ ભી કરને કો, મુંબઈ પોલીસ સે પંગા નહીં લેને કો બોલા થા ના. સુબહ આપકે ઘર મેં જો દૂધ પહોંચતા ના, ઉસે પહોંચાતા હૈ હમારા હાથ મેં. आपके बच्चे को जो रिक्शा में स्कूल पहुंचाता है उसे पहुंचाता है हमारा आदमी, और आपके घर में जो सब्जी पकती है ना शाम को वो सब्जी पहुंचाता है हमारा आदमी. हम शहर छोड़कर गए ना तो इस शहर में बचेगा क्या? शराफत जब मुसीबत की बारिश में नहाती है ना, तब बीच बाजार नंगा नाचती है. જમીની ઘટતી જા રહી હૈ, માફિયા બઢતા જા રહા હૈ. ભાઈ આપને ઇસકો ઠોક દિયા? નહીં રે, ઇસકો એનકાઉન્ટર બોલતે હૈ. નહીં, ઇસકો સુપારી બોલતે હૈ. સુપારી બોલ કે દેખાયેગા સિર પે?
या सीने में। सर आप ये क्या बोल रहे हो सर? हम लोग इसको एनकाउंटर बोलते हैं। अच्छा हम लोग इसको सुपारी बोलते हैं। ऐसे और पुलिस के बीच में फंस गया, तेरी कुछ नहीं चले। जब कुछ नहीं चलता है तब ये चलती है, और ये सिर्फ कानून को समझती है। लोगों की सतर्कता के चलते दमन में चोरी करने आए एक आरोपी को पकड़ा गया, दो भागने में हुए सफल। दादरा नगर हवेली में पूर्व सांसद ने प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर अस्पताल में फलों का किया वितरण। वापी रेलवे स्टेशन पर हेल्पिंग हैंड द्वारा कपड़े की थैलियों का किया गया वितरण। पार्टी वात्सल्य स्कूल के बच्चों संग भाजप संगठन ने मनाया मोदी जी का जन्म दिवस। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।